नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल भाई सबकी बड़ी खबर के साथ। आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार हिमाचल प्रदेश की सत्ता दे दी है एक ऐसे व्यक्ति को जिनका इतिहास ऐसा रहा है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जमकर लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। बताएंगे दोस्तों कौन है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसी के साथ में बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी की रणनीति के पीछे क्या है सबसे बड़ी सोच। वहीं पर एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को तोड़ना आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ गया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वापस से सारे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और माफी मांगते हुए सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ में जैसे ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए वैसे ही कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी दोस्तों। और अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान कि 2002 में हमने लोगों को सबक सिखाया था, इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर टिप्पणी सामने आई है। क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने, इसकी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त कॉन्फिडेंस है और आने वाले कर्नाटक और त्रिपुरा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 2 दिनों के मंथन के बाद आखिरकार हिमाचल में अपना लोकल मुख्यमंत्री दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो राहुल गांधी के काफी करीबी नेता है उनको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, यानी विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। यह हमीरपुर वही क्षेत्र है जहां से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव जीत कर आते हैं। दोस्तों, और सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। इस जिले में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का दबदबा था और मुख्यमंत्री भी इसी जिले से दिया गया है। आपको बता दें कि नादौन विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3300 वोटों से हरा दिया। वे हिमाचल प्रदेश के अंदर चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। दोस्तों, सुक्खू ने शिमला के सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की और इस दौरान राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने उनको NSUI का अध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद 2013 में उनको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का चीफ बनाया गया। इसके अलावा 2003, 7 और 2017 के नादौन विधानसभा से विधायक चुनकर आने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिरकार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, और उनका शपथ ग्रहण समारोह आज 11 बजे होने वाला है जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सांसद प्रतिभा सिंह के करीबी नेताओं में से एक मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम नियुक्त करने की बात कही है, यानी एक सीएम और एक डिप्टी सीएम होगा। दोस्तों, यानी प्रतिभा सिंह के गुट से भी एक नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से पार्टी में एकजुटता दिखाई दे। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। दोस्तों, उनके पिता काफी गरीब हुआ करते थे जिसके बाद उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के क्या इसी तरीके के डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं को उनके आला कमान के द्वारा राज्य चलाने का मौका दिया जाना चाहिए? आप लोग इसे अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया अंतोगत्वा वो सच साबित हुआ और अच्छा साबित हुआ। आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चुनाव में आसानी से जीते हुए दिखाई दे रहे, एक बड़े स्वीकार्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट साबित होंगे। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर MCD के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी के नेताओं पर उनके पार्षद को तोड़ने की बातें कर रहे थे और अब कांग्रेस पार्टी के 3 नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दिन में ही पूरा हिसाब किताब कर लिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे के तीसरे दिन दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी के साथ 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन चंद घंटों के बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी कर गए। इसी के साथ में अली मेहदी ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का समर्थक हूँ। उन्होंने कहा कि 2 पार्षद को लेकर मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ, DPCC का उपाध्यक्ष हूँ। अली मेहंदी की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के 2 मुस्लिम पार्षदों को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही थी वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटक कांग्रेस गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद किसी भी तरीके का मौका कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष DK शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया तीनों के तीनों एक बड़ी जनसभा और रैली को संबोधित करते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, उन्होंने बड़ी रोड शो निकाली है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता एक हुजूम बनाकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। इन सभी इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है और चुनाव की घोषणा में अब 5 महीने का समय बचा हुआ है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक तरीके का मूवमेंट पूरे कर्नाटक में खड़ा करना चाहती है। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इसी राज्य के अंदर जबरदस्त समर्थन इकट्ठा करती दिखाई दे रही थी, तो उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता पदयात्रा पर निकल गए हैं। दोस्तों, एक एक महीने तक ये पदयात्रा
यात्रा चलती रहेगी, उसके बाद नए तरीके के अभियान चलाए जाएंगे, परिवर्तन रैलियां चलाई जाएगी और बाद में चुनाव की घोषणा के साथ कर्नाटक में चुनाव का बिगुल फूक जाएगा दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इसी बीच त्रिपुरा के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का वहां भी फोकस है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को किसी भी हालत में चुनाव जीतना है और बड़े प्रचंड बहुमत से इस बार चुनाव जीतना है अगर अपना सर्वाइवल बचाए रखना है तो। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बयान दिया था गुजरात के अंदर, कहा था कि 2002 में सबक हमने सिखा दिया जिसके बाद कभी भी कोई दंगे नहीं हुए, इस तरीके की बातें अमित शाह ने की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग में किया। हालांकि चुनाव आयोग उससे जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि 2002 में सबक सिखाया ये किसी तरीके का कोई गलत बयान नहीं है। दरअसल दोस्तों इस टिप्पणी पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को देखने और कानूनी राय लेने के बाद चुनाव आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करना चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि उपद्रवियों के नाम पर किसे टारगेट किया गया था, किस समुदाय के लोगों को लेकर यह टिप्पणी की गई थी ताकि वोटों को पोलराइज किया जा सके दोस्तों। वहीं पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक दूजे पर पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया गया है, यानी आम आदमी पार्टी जो दो दिन पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों को पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी, अब दावा कर रही है कि उनके पार्षदों को बीजेपी के लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखते आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके के और भी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं दोस्तों। वहीं पर राजस्थान के बूंदी में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी भारत जोड़ो यात्रा के सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल लंबे समय से आपस में लड़ रहे कई सारे नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, खासकर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा, दोनों एक दूसरे के समर्थन में बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं पर राजस्थान में स्कूली बच्चों को बीजेपी के एमएलए ने दिलाई भाजपा को वोट देने की शपथ। आपको बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ा जिले के अंदर मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में बीजेपी के विधायक ने स्कूली बच्चों को बीजेपी को वोट देने की शपथ दिलाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले ही इस तरीके से जनता को क्यों भ्रम में डालना चाहते हैं, खासकर बच्चों से क्यों वोट डलवाने की बातें कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के एमएलए सलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के लोगों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि जहां पर 97% हिंदू आबादी है वहां पर हमने हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है, हिमाचल के हिंदू भाइयों नई सरकार मुबारक, इस तरीके की टिप्पणी सुलभ मणि त्रिपाठी ने की है। जिस पर जवाब देते हुए यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुनो सीएम के चाटुकार सलभ मणि त्रिपाठी, हिंदू धर्म की जीत ही हिंदुत्व की हार है, हिंदुत्व आरएसएस और बीजेपी का धर्म है, हिंदुओं का धर्म नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल से भाजपा के नेताओं को फटकार लगाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। जैसे ही बीजेपी के नेता ने बयान दिया वैसे ही कांग्रेस पार्टी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जबरदस्त जवाब दिया है। रिकॉर्ड बड़ी खबर की माने तो बीजेपी के विधायकों ने जो होना था वही किया और भूपेंद्र पटेल को अगला मुख्यमंत्री गुजरात का नामित कर दिया गया है, यानी यही है डेमोक्रेसी बीजेपी के अंदर। जो बीजेपी के पर्यवेक्षक गुजरात पहुंचे और वहां पर जाकर विधायकों ने उन्हें वही राय दी जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है और आखिरकार भूपेंद्र पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कई सारे निर्दलीय लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, यानी 3 निर्दलीय बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कहा 3 निर्दलीय तो हमारा सपोर्ट करेंगे ही करेंगे बल्कि बीजेपी के एमएलए भी हमारे संपर्क में है, आप लोग इंतजार करते रहिए, हम लोग प्रचंड जन सैलाब के साथ जन समर्थन के साथ एक बार फिर से सरकार चलाएंगे, यानी कम से कम 46 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का पहुंचने वाला है। और एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटा दी गई है, रुके हुए काम एक बार फिर से गति पकड़ेंगे और भर्तियां नियुक्तियां फिर से शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता को हटा दिया गया है। प्रदेश में 14 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आचार संहिता को हटा दिया गया था और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से जोरों शोरों से काम शुरू हो चुका है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है और अधिकारियों को भी अब पता चल गया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उनके हिसाब से जो प्रायोरिटी है उन सभी कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके से तस्वीर बदलती है दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की केमिस्ट्री एक बार फिर से 2024 में नजर आएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को लेकर काफी ज्यादा खुश है, उन्होंने कहा कि चाचा हमारे साथ में आए, हमने मैनपुरी का चुनाव जीता, चाचा को बड़ी जिम्मेदारी आगे आने वाले दिनों के अंदर भी दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चाचा को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं ताकि हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद को अपने मुंह से मावा निकालकर बात करनी चाहिए, अगर उन्हें कन्नौज के विकास की बात करनी है तो संसद के अंदर वो जो मुंह में पान गुटखा खाकर रहते हैं उन्हें सबसे पहले ये हटाना चाहिए, उसके बाद जनता से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए और संसद में जाकर लोगों के लिए विकास की मांगे करनी चाहिए, प्रोजेक्ट मांगने चाहिए और उससे पहले उन्हें क्षेत्र में आकर काम भी करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव 2024 का चुनाव लड़ेंगे।
है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव कन्नौज का जबरदस्त तरीके से दौरा कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो आपसी सहयोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को इससे फायदा पहुंचेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े हैं कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों आज हिमाचल प्रदेश पहुंच सकते हैं, यानी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दोनों नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।